Hi everyone, welcome back to my channel. आज हम लोग वीडियो देखने वाले हैं, दैट इज अ स्टैंड अप कॉमेडी बाय विपुल गोयल. यस, ही इज अ वेरी फेमस एंड नोन नेम इन द इंडस्ट्री. ही हैज डन टीवीएफ सीरीज ऑल्सो, ह्यूमरस योर्स, उसके सीजन्स भी हैं. एंड ही हैज डन दैट, आई हैव सीन दैट, दैट्स वेरी ह्यूमरस. एंड आई हैव सीन हिज स्टैंड अप कॉमेडी ऑल्सो, ही इज डूइंग वेरी वेल. बहुत ही कॉमन सेंस फील्ड ह्यूमर होता है उनका, एंड इट्स रियली गुड वन. आज जो हम लोग वीडियो देखने वाले हैं, दैट इज ऑन द टॉपिक इज एक्चुअली एडवर्टाइजमेंट्स एंड बॉलीवुड 90s हीरोज. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. मतलब एडवर्टाइजमेंट्स इंडिया में वैसे भी बहुत ही ड्रामेटिकली होते हैं, और बॉलीवुड मूवीज इज ऑल्सो फुल ऑफ ड्रामास. सो आई एम एक्साइटेड फॉर दिस स्टैंड अप कॉमेडी. आई होप आपको भी अच्छा लगे. इस स्टैंड अप कॉमेडी का जो लिंक है, ओरिजिनल वीडियो का लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया. यू कैन गो टू हिज चैनल, यू कैन डिस्कवर हिज चैनल, सब्सक्राइब टू हिज चैनल, एंड दैट्स इट. आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे एंड यू एंजॉय इट मोर वॉचिंग विद मी. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं. बड़े आप लोग सब एडवर्टाइजमेंट देखते हो इंडियन टेलीविजन पे. Have you guys seen all the ads, the way they pamper women? Like they sell every product to women with so much love. No? Like, aapki nazuk komal twaja ke liye. Aha. Kya aaj aapne baalon ki champi kari? Kya aap aasman chhune ko tayyar hai? But to us men, they will ask us uncomfortable questions, right? Kya aapke daanton mein sadan hai? Kya aapki saanson mein badbu hai? Piyush, kya aap bedroom mein kisi tarah ki kamzori mehsoos karte hain? पीयूष की वाइफ भी क्लैप कर रही है. एंड हैव यू गाइस सीन हाउ होपलेस वी मैनर इन एडवर्टाइजमेंट्स? लाइक वी कांट इवन सेल मेन प्रोडक्ट्स ऑन आवर ओन. लाइक इवन फॉर अ जिलेट रेजर एड, वी हैव टू गो जिलेट मैक 3, बिकॉज 80% वीमेन लाइक शेवन मैन. And the remaining 20% are Punjabi. Whereas women, they don't require men. They sell everything on their own. Have you ever seen a woman in a Whisper ad go, Whisper Ultra? Because 80% men like. And the remaining 20% are Punjabi. Okay, so all the ladies there are getting embarrassed. You know? Oh my God, he's doing a period joke. Don't worry, I just do it once a month. Oh my God. By the way, big round of applause for all the women. Happy Women's Day. Big round of applause for all the women in the audience. और आपने देखा एड्स में ना, बच्चों को किड्स आर शोन सो ओवर इंटेलिजेंट. लाइक मैंने एक एड देखा, बाप बेचारा शाम को ऑफिस से पसीने में थक हार के म्यूचुअल फंड लेके आता है, और बेटा बोलता है, पापा ये क्या लिया है? असली म्यूचुअल फंड तो SBI का होता है, ये तो बच्चे को पता है. लाइक सीरियसली, अब ये 5 साल के बच्चे बाप को फाइनेंशियल एडवाइस देंगे यहाँ पे कि मार्केट में क्या अप डाउन चल रहा है? रियली, like if I was a dad in that ad just to teach the kid a lesson, I would just kick him in the balls or something, you know. He'll be like, papa, what was that? Beta, that was a market crash. But you know, I watch a lot of Bollywood movies. Yahan pe kitne log Bollywood movies dekhte hain, right? आपने देखा जो वाला बॉलीवुड हीरो होता था 80s 90s, लाइक ही वाज जस्ट अ पब्लिक न्यूसेंस टू द सोसाइटी. अपने बॉलीवुड हीरो का जब भी मूवी में ब्रेकअप होता है, तो रैंडमली ना किसी भी कपल की वेडिंग एनिवर्सरी पार्टी में चले जाता है, और वहां जाके स्टेज पे सैड सॉन्ग गाने लग जाता है. कि तू प्यार है किसी और का, तू ये चाहता कोई और है. मतलब गिफ्ट तो लाया नहीं, कपल के माइंड में डाउट और डाल देता है. उधर देख लो भाई साहब, इस स्टार्टअप में पहले भी फंडिंग हो चुकी है. लुक एट हिज ऑब्जर्वेशन. मतलब वो पहले एडवर्टाइजमेंट्स के बारे में बोल रहा था. एंड एक्चुअली आई गेस मुझे भी ये लगता है कि हम इंडियंस को ड्रामा बहुत ही पसंद है, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट्स हो, उसमें भी हम इतना ड्रामा डालते हैं ना, ओ माई गॉड दिस एंड दैट, ये वो इधर उधर. और बॉलीवुड तो हमारी शुरू से फुल ऑफ ड्रामाज रही हैं. नो डाउट वी लव इट. मैं मुझे खुद को बॉलीवुड मूवीज बहुत पसंद है, बट
यस एट द एंड वी हैव टू एडमिट हम लोग बहुत ड्रामा डाल के रखते हैं उसके अंदर, यू नो एकदम फुल ऑफ ड्रामास, क्योंकि हमारे लिए वो बॉलीवुड मूवीज आई गेस आर अ वे ऑफ एंटरटेनमेंट और वो फुल ऑफ ड्रामा जब तक नहीं होगी हमारा एंटरटेनमेंट नहीं होता. ओके लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो. अकेले एंजल इन्वेस्टर नहीं हो यार, आप किसी के वेडिंग ओकेशन पे जाके सैड सॉन्ग थोड़ी गा सकते हो यार. लाइक पार्टी में बाकी गेस्ट भी इरिटेट होंगे यार, शिट यार ये पिछली बार बैचलर पार्टी में भी आ गया था यार, साला वहां स्ट्रिपर्स के सामने चालू हो गया यार, छुपाना भी नहीं आता बताना भी नहीं आता. स्ट्रिपर्स का मूड ऑफ हो गया यार, ये छुपाना था तो हमें क्यों बुलाया यार फिर. अलका याग्निक को बुला के मेलेडी नाइटी करवा लेते. और हमने कहा बॉलीवुड हीरो सबसे ज्यादा इतना बड़ा हिपोक्रेट होता है, वो सबसे ज्यादा बेकूफ बनाता है भोले वाले गांव वालों को. आपने देखा जब भी गांव में डाकू आते तो हीरो एकदम से खड़ा होता है, मेरे होते हो कोई बस्ती को हाथ भी नहीं लगा सकता, कोई बस्ती का बाल भी बाका नहीं कर सकता. और फिर वो गुंडों से लड़ता है एंड ड्यूरिंग द फाइट सिक्वेंस पूरी बस्ती फिर वो खुद ही उजाड़ देता है. पहले किसी गुंडे को पकड़ में किसी की साइकिल की दुकान में फेंक देगा वो गई, कोई प्याज टमाटर बेच रहा होता उसकी लारी उड़ा देता है. और गांव वाले भी सोच रहे शिट यार इससे सस्ता तो विलेन का हफ्ता ही पड़ रहा था यार, इसका कोलैटरल डैमेज कितना है इधर. और उसके बाद में जब गांव वाले सरपंच आके हीरो को कन्फ्रंट करते थे, यार तू गांव में तमीज से क्या गंद मचा रहा है यार, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग सॉरी हीरो उल्टा उन पे चिल्लाने लगे, अरे डरते हो तुम सबके सब कायरो नपुंसक हो. देन ही वुड गो सेक्सिस्ट ऑन देम, चूड़ियां क्यों नहीं पहन लेते तुम लोग. एंड इवन द विलेजर्स आर थिंकिंग कहां से पहने, तूने चूड़ियों की दुकान भी तो तोड़ दी यू पीस ऑफ शिट. जबोंग से मंगवाए यहाँ पे तो क्या सरपंच जी को भी नपुंसक गांव में आधे बच्चे इनके पता है ना तुझे, ये गांव को डिस्ट्रिक्ट इन्होंने बनाया है. इतने फटेले दो तीन बच्चे के वार्म अप में हो जाते हैं और ड्रिंक्स ब्रिंक का तो मैं बोलना भी नहीं चाहता. और हीरो बॉलीवुड हीरो इतना शेमलेस होता है वो एनिमल राइट्स में तो बिलीव ही नहीं करता है, पीटा वीटा सब जाए भाड़ में. तो कई बार देखा हीरो फाइट में इतना ज्यादा कैरिड अवे हो जाता है कि जिस घोड़े पे बैठ के डाकू आते कई बार इन घोड़ों की भी पिटाई कर देता है, घोड़े के मुंह पे पंच मार दिया, घोड़े को टंगड़ी मार दी. वो घोड़ा भी सोच रहा है यार मेरे को थोड़ी पता था लूटने जा रहे हैं यार, मेरे को तो ना राणा जी की शादी के लिए बुक क्या था, रस्सी देख लो यार लेके आया हूँ. साफ लिखा है पहले शादी फिर हनीमून पे घूमी घूमी. यार आप घोड़े की थोड़ी पिटाई कर, आप सर्विस प्रोवाइडर की थोड़ी पिटाई कर सकते हो यार. इसलिए कि आपकी गर्लफ्रेंड किडनैप हुई, किडनैपर का आपको पैसों के लिए फोन आया तो आपने जाके वोडाफोन वाले की पिटाई कर दी. नहीं तूने कनेक्शन कैसे दिया पहले तू ये बता. नहीं जंगल से कॉल पे कॉल अभी पूरा नेटवर्क आ रहा है तुम्हारा सालों है. It's a good one. But you know, that's it. But seriously, it happened. A lot of drama in Bollywood movies. And actually, mein, what he said ki Sarpanch ji ko kya bol raha gaon ka, matlab gaon ke aadhe bachche ko Sarpanch ji ke. It happened in Bollywood movies. Jo bhi higher authorities hoti thi, wo Sarpanch hota tha, ye Sardar hota tha, ye jo bhi head hota tha na, gaon ka wohi gunda hota tha. Aur wo koi, matlab, you know, these things happen. Exactly. कई बार तो पता लगता था हीरो भी उन्हीं का बच्चा है, बड़ा हो गया बचपन में खो गया था, समथिंग लाइक दैट. ओह माय गॉड, इंडियन मूवीज आर सो प्रेडिक्टेबल एंड सो फुल ऑफ ड्रामा एंड फन एंटरटेनमेंट. मजा आता है देखने में नो डाउट, बट हाँ यार बहुत ड्रामा होता है कई बार तो सीरियसली. एंड दैट वन पॉइंट मतलब मुझे भी काफ़ी याद आ रहा है मूवीज जो मुझे नाम याद नहीं है, बट हाँ एक मूवी मैंने भी देखा था जिसमें वो सनी देओल होते हैं और वो आई गेस अमरीश पुरी उनके पापा होते हैं और वो कहीं किसी जगह में जाते हैं तो गुंडा राज होता है एंड देन सनी देओल फाइट्स फॉर देम. एक्चुअली वो फाइट सीन में उन्होंने पूरा बाजार इतनी बुरी तरह से डैमेज कर दिया था ना, ओह माय गॉड मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा है. सो आई हैव एंजॉयड इट. नाइस ऑब्जर्वेशन, बहुत सेंस, मैंने आपको जैसे बताया था बहुत सेंसफुल जोक्स होते हैं विपुल के और एडवर्टाइजमेंट्स पे कितना सही बोला उन्होंने. आई लाइक इट, आई एंजॉयड इट. आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट्स में आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप मुझे ये भी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप और कौन सा देखना चाहते हैं.
एंड येस ऑफ कोर्स अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तब भी प्लीज 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 लीव अ कॉमेंट इन माई वीडियोज एंड टेल मी मेरे वीडियोज आपको कैसे लगे और क्या फर्दर वीडियोज में आप भी देखना चाहते हैं. मेरे वीडियोज प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. आई एम श्योर उनको अच्छे लगेंगे. सो दैट्स इट फॉर द डे. आई विल बैक विद सम मोर गुड इंटरेस्टिंग वीडियोज टू वॉच टुगेदर. ओके एंड वन मोर थिंग, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी ये बात बोली थी कि अब वी आर थिंकिंग टू डू अ क्वेश्चन एंड आंसर राउंड, मतलब वो वाला वीडियोज क्वेश्चन एंड आंसर वीडियोज भी हम लोग सोच रहे हैं करने की. सो प्लीज सेंड मी अक्रॉस योर क्वेश्चन, आपके जो भी क्वेश्चन हैं आई विल आंसर ऑल ऑफ देम. ओके बाय, टेक केयर.